एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को ने देखा है कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे बहुत दिनों से, मन नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का। बहुत दिन के बाद फ़ोन उठाया मैंने वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। और अभी सुबह का ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और आज मुझे फिर से जाना है अपने मायके। तो मायके उधर से मतलब मैं दवाई लेने गई थी तो वो एक हफ्ते का ही दवाई देते हैं, एक हफ्ते का उन्होंने दवाई दिया था, सरकारी हॉस्पिटल है। एक हफ्ता का डोज मेरा मंडे को गई थी मैं, और उसके बाद फिर अब मंडे है आज, तो आज मैं फिर से जाऊंगी और वैसे ही जाऊंगी। मेरे हस्बैंड छोड़ देंगे मेट्रो स्टेशन और वहाँ से मैं चली जाऊँगी। और कल है मेरा बर्थडे, बट कुछ एक्साइटमेंट नहीं है बर्थडे का, बस बर्थडे है तो है तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं होने वाला कि हाँ नहीं, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी के निकलूँगी मैं। तो चलिए मैं चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। क्या चीज? हाँ तो और क्या, तो सवाल नहीं थी। मैं कब डालती हूँ साबुत? तो आप कुछ कूटने के लिए था ही नहीं तो मैं साबुत डाल दी थी। बेडशीट आप कितने दिन से नहीं किए हैं चेंज? पापा इस वाला, ये वाला रूम तो आप चमका के रखते हैं, ये वाला जिसमें आप सोते हैं है। तो खराब नहीं है क्या? बेडशीट भी नहीं चेंज किए? कर देंगे उसको। मैं कर दूं क्या? हाँ तो कर देंगे, दो दे देंगे। मैं कर सकती हूँ? क्या क्या कर सकते, तुमसे धोना ना है। तो वॉशिंग मशीन ले लीजिए, वॉशिंग मशीन ले दीजिए, मैं धो लूंगी। तो मैं नहीं धोई पापा, क्या आप तो बात करते हैं, एक एक बाल्टी कपड़ा नहीं धोते थे क्या? हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर पे। और एक्चुअली मैं जाने वाली थी मैं एक आंटी के साथ, तो वो आंटी नहीं जा रही हैं, तो लास्ट ऑप्शन तो मम्मी पापा होते ही हैं, मम्मी ही नहीं है तो पापा हैं। वो तो मना कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। मैंने एक बार बोला कि पापा वो आंटी नहीं जा रही हैं, आप चलेंगे क्या? तो कह रहे हाँ हाँ चलूँगा चलो। तो मैं पापा के साथ ही जा रही हूँ और बहुत दिनों के बाद, चाहे मुझे ये याद नहीं है कि पापा के साथ मैं कहीं गई हूँ। जल्दी मैं पापा के साथ कहीं नहीं जाती हूँ, तो मैं पापा के साथ अभी निकल रही हूँ दवाई के लिए। उसके बाद आके मैं कहीं और भी जाऊँगी, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, तो मैं दवाई लेके आ गई हूँ और मेरे पापा को पता है कि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, तो वो चाउमीन लेके आए हैं मेरे लिए, मतलब उन्होंने दिलाया मुझे चाउमीन, तो काफ़ी टेस्टी लग रही है। और आप लोग भी खा लीजिए, चाउमीन खाऊंगी फिर थोड़ी देर बस चाय पीऊँगी और फिर मैं निकलूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे जाना है मॉल। मेरे हस्बैंड थोड़ा फोर्स कर रहे हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कुछ ले लो, तुम्हारा बर्थडे है कल, क्योंकि उनको तो छुट्टी मिल नहीं पा रही है बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए तो कुछ नहीं ले लूँगी, देखूँगी तो आरुष के लिए और उनके लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक लोअर लूँगी और आरुष के लिए कुछ लूँगी। तो देखते हैं, मुझे अपने लिए कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। चलिए मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं खा चुकी हूँ और ये मच्छरदानी वगैरह, अब ऐसा लग रहा है ना मैं सो जाऊँ चुपचाप।
मेरा हिलने का मन नहीं हो रहा खा पी के ना, लेकिन खाने के बाद चाय लेके बैठी हूँ मैं। चाय पीऊँगी फिर उसके बाद देखती हूँ निकलती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या करना है, फिलहाल तो चाय पी रही हूँ। और दूसरा फ़ोन मैंने लगा रखा है चार्जिंग पे, थोड़ा फ़ोन भी चार्ज हो जाए। और दवाई मुझे मिल गई है, और इस बार दवाई मुझे 15 दिन की मिली है। वैसे वो होम्योपैथी का दवाई 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन मैंने बोला कि मैं बहुत दूर से आती हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है इस बार 1 हफ्ते का दे देते हैं हम, तो उन्होंने 1 हफ्ते का दे दिया है मुझे। मैं मेडिसिन दिखाती हूँ, ये मेरा नाम लिखा हुआ है मोना, ये रे मेरी में दवाई 2 शीशी है, एक कम है एक ज़्यादा है। एक हफ्ते में 3 दिन मतलब 6 दिन खाना है और ये खाना है पूरा। नहीं कुछ समझ आता तो फिर मैं पर्ची में देख लेती हूँ। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। लोग साथ में चलूँगी आप लोगों को लेके, ऐसा नहीं है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर, नींद आ रही थी मुझे बहुत तेज, तो अब मैं उठ रही हूँ और छत पे नहीं आई थी तो छत पे आ गई मैं। और ये अमरूद का पेड़, इसमें छोटे 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 फूल आने शुरू हो गए, तो चलिए अमरूद भी आ रहे हैं। इसका ये फूल है और ये छोटे छोटे अमरूद। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं मॉल में, और ये जो मॉल में एक मिनीजो करके एक शोरूम है, यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए मैंने ना बिल्कुल भी स्लो मोशन नहीं किया है इसको, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आप लोगों को भी मैं दिखा सकूं कि कितनी प्यारी प्यारी बहुत सारी चीज़ें ना एकदम यूनिक सी दिखती हैं और देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे मैंने लिया ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में, मैंने आरुष के लिए लिया जो भी, बट हाँ देखने में बहुत अच्छी लगती है। वो जो लैम्प की तरह है वो स्क्रू ड्राइवर सेट है, और ये किचन टावल है, इसको किचन के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो मुझे ज़रूरत नहीं था तो मैंने नहीं लिया, बट हाँ ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें आइटम्स जो है ना वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और रिजनेबल प्राइस में लगता है वो लेती हूँ। ये स्लीपर्स मुझे अच्छे लग रहे थे बट प्राइस के हिसाब से इतने अच्छे नहीं थे जितना इसका प्राइस था, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं लिया। और भी मैं दिखाऊंगी, हैंगर मुझे इतने अच्छे लगते बट हैंगर का रिक्वायरमेंट नहीं था इसलिए मैंने हैंगर भी नहीं लिया। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, और ये जो ऊपर से कोटिंग थी ये रबड़ कोटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, कपड़े भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये ब्रश होल्डर है और ये भी बहुत अच्छा था, इसमें कार्टून टाइप बने हुए थे, तो 2 बेबी और 1 मेल और 1 फीमेल, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट तो मैंने सोचा कि जब मैं देखने आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ इसे, तो आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ, क्योंकि ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद नेट पे भी अवेलेबल है मुझे नहीं पता, बट ये शोरूम में एक बार मैं आई थी तो मैंने मेकअप ब्रश और फ्राई पैन वगैरह लिया था मैंने यहाँ से, उस समय ऑफर चल रहा था। और ये है क्ले जो आरुष को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसमें 2-3 वेराइटी थे, एक आउल था और ये 2 बॉक्स थे, और एक बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा, ये कलर्स थे पूरे, क्रेयॉन जो होता है वो थे सारे जो मोम कलर कहते हैं हम लोग की भाषा में आजकल क्रेयॉन हो गए। और ये सॉफ्ट हुआ, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुआ इससे, इतने ज़्यादा इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। ये एलिफेंट है, फिश है, और यहीं पे मैं जा के अटक रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो लूँ ना जब आई हूँ, तो अपने लिए ना सही आरुष के लिए, जिससे वो खुश हो जाता है, तो इसी में से मैंने लिया है।
जो वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। और मेरी एक फ्रेंड है बलोच करके, तो वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ। तो रियली सॉरी, मैं नहीं ध्यान दिया कि आपने कभी बोला था मुझे कि वीडियो में मेरा नाम लीजिए, तो मुझे इस बार आप नाम ले रही हूँ आपका बलोच। आप हर किसी आपका नाम मुझे याद है कि मतलब आप हर वीडियो में मैं आपका कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं आपका नाम नहीं लेती तो मुझे वेट नहीं रहता कि आप लोगों के कमेंट का, मुझे वेट रहता है आप लोगों की हाँ कि आज उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा क्या। और ये है ग्लास का बाउल है और ऊपर से प्लास्टिक का कवर था, बहुत अच्छा था। और ये स्पून सेट है, इसमें एक स्पून है और स्टिक भी है और फोक भी है, तीनों का सेट था। बट मुझे लेना नहीं था, वैसे मैं प्लास्टिक नहीं, पता नहीं कौन सा मटेरियल था, बट मेरे पास स्पून अभी इतना है कि लेने का कोई फ़ायदा नहीं है पैसे वेस्ट करने का। और इधर बास्केट वगैरह था, ये सोप होल्डर है, शायद सोप होल्डर है, मैंने नोटिस नहीं किया ये क्या है, बट हाँ वही है, बाथरूम में स्टिक करने वाला है, ये टांगने वाला नहीं है। और फिर आ जाते हैं इधर, और ये क्या है, इसमें आधी चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती हैं कि है क्या, किस पर्पज़ के लिए है, किस लिए रहता है। और हाँ, यहाँ पे कॉम्ब जो है कंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा था। तो यहीं पे मैं रुक गई थी। और ये जो नीचे जो मैंने हाथ में उठा के देखा, ये भी बहुत प्यारा था, गोल्डन कलर का था, बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोले मेरे लिए कंगा ही ले आती, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, ना मैं खुद के लिए खुद, क्योंकि फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसमें इतना कॉस्टली है, क्या लें क्या नहीं लें। कोई और साथ में रहता है ना, अकेले शॉपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कोई तो रहना चाहिए ना साथ में, तो कोई नहीं था, तो इसलिए मुझे अकेले समझ नहीं आ रहा था। और इधर सीज़र नेल कटर वगैरह है, और इधर ब्रश है, मेकअप ब्रश मैंने पहले इधर से ही लिया हुआ है, तो मैं देख रही थी कि छोटे छोटे वाले ब्रश नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगा कि शायद अगर मिले तो मैं ले लूँ। उस समय ऑफर्स में थे तो इतने महंगे नहीं थे, बट 200-250 का है ये जो ब्रश दिखा रहा है, तो मैंने नहीं लिया। फिर मैं देख तो रही थी बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि बड़े वाले ब्रश मेरे पास हैं बट छोटे वाले ब्रश नहीं है। और एक एक चीज़ करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लो या मत लो, बस देखने में तसल्ली मिल जाती है। और आवाज़ थोड़ी बाहर आ रही होगी क्योंकि मैं बालकनी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ वहाँ से आके, और थक गई हूँ। आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, मतलब आप लोग बोल रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा, इसलिए मैं बैठ के अभी सोच रही हूँ अभी अपलोड कर दूँ, और नेट नहीं है, देखते हैं कैसे अपलोड होगा ये वीडियो। और इसमें भीड़ नहीं होती है ज़्यादा, और ज़्यादा भीड़ का तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़े बहुत लोग आते हैं और अधिकतर ऐसे देखते हैं, शॉपिंग ज़्यादा करते नहीं हैं यहाँ से, क्योंकि हर किसी को अपना जेब भी देखना होता है। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ मेट्रो में, और मेट्रो से जा रही हूँ मैं घर, लौट रही हूँ, और सूरज की रोशनी आ रही है इसलिए थोड़ा सा वैसा फेस दिख रहा है। और एक सीट छोड़ के एक सीट पर बैठते हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मेट्रो में बहुत ज़्यादा प्रिक्यूशन लिया गया है, कि देखिए एक सीट पे स्टिकर लगा दिया गया है, एक सीट पे ही आप बैठ सकते हैं, और नीचे भी स्टिकर लगा दिया है कि जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सेफली है मेट्रो में जाना अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर पर, देखिए फिश दिखाई, मैं लेके आई हूँ आरुष के लिए फिश, और ये मुझे दे नहीं रहा देखने के लिए, ये देखिए ये इस तरीके से है, बहुत प्यारा है, और दिखाती हूँ ये है अल्फाबेट, ये वुडन का है। अब ये क्लिप, ये भी मिनीसो से लेके आई हूँ, और ये 90 rupees का, ये बहुत अच्छा है। और ये है आरुष का पज़ल, इसमें चार पज़ल है, और ये खुश हो रहा है बहुत। लो ये लो पज़ल, क्या है, क्या है बच्चा, ये ओपन इट, लेके भाग गया। और क्या, क्ले कहाँ रखे इसका, क्ले छुपा दे यार उससे, नहीं तो वो छोड़ने नहीं वाला क्ले, तो
तो एक है ये क्ले है, इसमें है 24 है, पता है 24 है इसमें, 24 कलर, पता है बहुत प्यारा प्यारा आइटम आ रखा था, बहुत अच्छा। एक है ये क्ले, फिर से आ रहा है वो, और एक ये है क्ले। ना अरे बेटा मम्मा से खुलवाओगे क्या? अभी मम्मा बाप से पे तो भरोसा ही नहीं है, पाप पाप पिछली बार पापा हमको किडनैप कर तो भागे जा रहे थे। बच्चा पूरा दिन बच्चों को छोड़ के ये तो बिजी रहता है, बट मेरा मन नहीं लगता है। वाओ दिखाओ, निकाल दे बेटा, लो क्या है ये? पूरा निकाल लो फिर लगेगा, नहीं तो रोना। ये नहीं टूटेगा बेटा। हाँ अब लगाओ, इसमें लगाओ, बच्चा तो है थोड़ा समझदार। वहीं पे था क्या? मैं भी वहीं पे था, इसे याद भी है। लगाओ बेटा। मुंह से म्यूजिक भी चल रहा है आपका क्या? अरे वाह, वेरी गुड आरुषि जी, ये It's great. It's found a cradle, a plank, a blanket. A blanket. What is this, baby? Dinosaur. Where is dinosaur? लाओ निकाल दे, लाओ। Horse. Yes, baby, horse. What is this? It's a duck. Tortoise. What is this? It's an elephant. वो कहाँ से एलिफेंट लग रहा है तुझे? बस फिनिश। अच्छा नाम लिखा हुआ है बेटा। टोटोस है? नहीं, टॉर्टोइज है, हॉर्स है, राइनो है, हिप्पो है। ओए तो है एलिफेंट कहाँ दिखा तुम्हें? हिप्पो, ये राइनो है। और मैं लाई हूँ अपने लिए नेल पेंट, बस अपने लिए यही लेके आई हूँ। वही कहते हैं बस, सिर्फ आरुष के लिए लेके आई हूँ और कुछ भी नहीं। अपने हस्बैंड के लिए भी सोचा था, उनके लिए भी नहीं लेके आई, अपने लिए मैंने सोचा मेरा बर्थडे है, मैं अपने लिए कुछ लेके आऊँगी, तो वो भी मैं लेके नहीं आई। बस बच्चा और बच्चे हो जाते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है बाहर निकलो तो दिमाग उसी चीज़ पर अटकता है कि बच्चा हमारा किस चीज़ में खुश होगा, और हम वही लेके आ जाते हैं और बच्चा खुश हो जाता है ना, तो उसमें फिर हम भी खुश हो जाते हैं। तो बस इतनी थी मेरी शॉपिंग, और बच्चा खुश तो हम खुश बस। और आप लोग बोल रहे थे कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। मैं बताऊंगी अभी आके, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा नॉर्मल फील होने लगे तो मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ की शेयर करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस वीडियो का फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ, कल का वीडियो देखते हैं, शायद मैं कहीं जाऊँ, शायद देखते हैं क्या होता है कल। हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं है, जाऊंगी तो मैं अकेली ही जाऊंगी। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिस मेरे सपोर्ट जो कर रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करना मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।